वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। बीफ मटन आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये मैंने तीन दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं और आधी प्याली ऑयल में मैं इनको हल्का सा फ्राई करूंगी। व्यूअर्स, प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, ये देख रहे हैं, कच्चे पक्के ही हैं, बीफ पूरी तरह ये ब्राउन नहीं हुए हैं। कोरमे की तरह हमने ब्राउन नहीं करने हैं, उससे पहले ही हमने इसमें ये गोश्त शामिल कर दिया। तकरीबन तीन पाव के करीब ये गोश्त है, 750 ग्राम। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। बस हमने इसको कलर चेंज होने तक इसको प्याजों के साथ भूनना है। ये गोश्त का कलर अब ये देख रहे हैं आप, अब ये सुर्ख नहीं है, थोड़ा वाइट वाइट हो गया इसका कलर। इसमें अब हम ये तीन टमाटर हैं दरमियाने साइज के, ये शामिल करेंगे। एक मुट्ठी भर के ये मेरे पास लहसुन है, देसी लहसुन, ये मैं डाल रही हूँ। सब कुछ साबुत ही आपने डालना है, रफली चॉप करना है। प्याज को भी, लहसुन को, टमाटर को, सबको हमने रफली चॉप किया है। ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गोश्त के साथ सब कुछ गल जाएगा। साथ ही ये इसमें मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। नमक आपने हसबे जायका लेना है, सुर्ख मिर्च 1.5 टीस्पून है, 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास सूखे धनिया का पाउडर है और आधी चम्मच हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है साबुत और 1 तेज़पात है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 बड़े बड़े लौंग हैं और 2 छोटी इलायचियाँ हैं। ये सब मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हम इन मसालों को भून लेंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल का, रेस्टोरेंट स्टाइल, शादियों पे जिस तरह का आलू गोश्त बनता है बिल्कुल वैसा हम आलू गोश्त बनाएंगे, वहाँ भी इसी तरह बनता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इस तरह आलू गोश्त बना के देखें, बहुत ही टेस्टी बनता है। यह आप देख रहे हैं, ऑयल निकलने तक हम इसको भूनेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको भूना है, फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर देते हैं और कुकर बंद कर देते हैं। आप कुकर के बगैर गलाना चाहते हैं उसके बगैर गला लें, लेकिन मैं कुकर में गला रही हूँ। अगर आपके पास मटन है तो आपने 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर चलाना है, और अगर आपके पास बीफ है तो आप 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को टाइम देंगे। यस, 10 मिनट बाद मैंने कुकर खोला है तो हमारा ये गोश्त गल चुका है और प्याज टमाटर भी आप देख रहे हैं सब कुछ अच्छी तरह गल चुका हुआ है। बस ज़रा सा इनको हम और चम्मच चला चला के भूनेंगे और इसको, ताकि हमारा शोरबा जो है वो स्मूथ सा तैयार हो। इस तरह ये लकड़ी के चम्मच से मैं इसे भून रही हूँ ताकि सब चीज़ों का अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। बार बार चम्मच को उठाना नहीं है, एक ही जगह यूँ रख के इसको यूँ घुमाना है। इससे यह है कि आपका गोश्त नहीं टूटेगा और प्याज टमाटर का अच्छी तरह पेस्ट तैयार हो जाएगा। यस, पानी ड्राई हो चुका है, तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से ऐसे भुना है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून मैं इसमें दही के शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। गोश्त व्यूअर्स हमने बिल्कुल पूरा 100% नहीं गलाया, तकरीबन 90 गोश्त हमारा गला हुआ है, इसीलिए हम इस तरह बेफिक्री से इसे भून रहे हैं। अगर गोश्त हम पूरा गला लेंगे तो वो फिर बुनाई में ही जो है ना पत्तियाँ सारी टूट जाएंगी, वो फिर सालन में अच्छी नहीं लगेंगी। भुनाई हमें अच्छी तरह से करनी है, सालन में भुनाई जितनी अच्छी होगी हमारा सालन उतना ही टेस्टी तैयार होगा। आप ये देख रहे हैं ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ चुका हुआ है। ये आलू, 3 आलू काट के रखे हुए हैं, ये देखे मैंने इस तरह मोटे मोटे काटे हुए हैं, आप भी किसी भी शेप के काट सकते हैं। आलू आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा डाले हैं क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू। बच्चे गोश्त नहीं खाते हैं तो आलू ही चुन चुन के खाते हैं, इसलिए मैं आलू ज़्यादा डाल रही हूँ। आलू डाल के हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है।
चुका है। करीबन 2 मिनट तक मैंने इसको भूना है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। जितना आपने शोरबा रखना है आप उस हिसाब से पानी शामिल करें। अब हम 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरह गल जाएं। एक उबाल आने के बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और आलू गलने तक वेट करना है। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं आलू हमारे गल गए हैं। देखें व्यूअर्स, आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और शोरबा भी जितना हमें चाहिए उतना तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालूंगी, धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे, कवर कर देंगे। फ्लेम हमारा ऑफ हो चुका है, 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर करके रख देते हैं, फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार ढाबा स्टाइल देगी आलू गोश्त का शोरबा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही लाजवाब है। आपकी मर्जी है, आप इसको भुना हुआ रखें या इसका शोरबा बना के खाएं। जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और देखा आपने कितने बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेसिपी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।